और मुल्क में आलमी परवाजों की बहाली के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई सफरी एडवाइजरी जारी कर दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल अक्वामी परवाजों के लिए नजरसानी शुदा कवायद और जवाबत जारी कर दिए। ये कवायद 20 जून से 31 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगे। कवायद और जवाबत के तहत बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए होम करंटीना की शिक बरकरार रखी गई है। जिन मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मजबूत हुआ और अलामात भी ज्यादा शदीद हों तो लाजमी सरकारी या होटल करंटीना में जाना होगा। अगर टेस्ट मजबूत मगर मुसाफिर की हालत खराब नहीं तो ऐसे मुसाफिर को होम करंटीना की इजाजत दी जा सकती है। तहम मजबूत कोरोना टेस्ट की सूरत में मुसाफिर पर एक से दूसरे सूबे जाने की पाबंदी होगी। कवायद और जवाबित का इतलाक तमाम कमर्शियल और निजी तैयारों की परवाजों पर होगा। हस्ते साबिक परवाज की पाकिस्तान आमद या रवानगी CAA की इजाजत से मशरूत रहेगी। जहाज को उड़ान भरने से कबल जरासीम से पाक करने का सर्टिफिकेट भी जमा कराना लाजमी होगा। तैयारी में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का जरूरी स्टॉक लाजमी होगा। मुसाफिरों के हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करवाना भी कमर्शियल और प्राइवेट फजाई कंपनी की जिम्मेदारी होगी। CAA ने एक बार फिर मुसाफिरों और तैयारे के अमले को जाती हिफाजत और समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत की। दौरान परवाज मुसाफिरों की निश्चित कैसी रखी गई है इसका प्लान तस्वीर की सूरत CAA को भिजवाया जाएगा। परवाज के मुसाफिरों के लिए हेल्थ डेकोरेशन फॉर्म भी जमा कराना लाजमी होगा। तमाम एयरपोर्ट्स के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंजेस में परवाज के अमले और मुसाफिरों के खुद कार थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग लाजमी होगी। बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों के कैबिन क्रू के कोरोना टेस्ट भी तरजीहन किए जाएंगे।